पायलट, सचिन पायलट हमारा नेता कैसा हो? सचिन पायलट मजो को ले, सचिन पायलट, सचिन पायलट जिंदाबाद। अरावली की पहाड़ियों को गूंज जाना चाहिए। इधर से जितने भी मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, सामने से बैठे हैं माता बहन, सचिन पायलट, सचिन पायलट जिंदाबाद। तो बोलो भैरू जी महाराज की, तो बोलो बस्ती माता की, सचिन पायलट जिंदाबाद। पायलट साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 सचिन पायलट जिंदाबाद। अरे रोटी कौन खा रहा है गे? खेस दो मीटर जम के, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। जनता मंत्री की पहचान रखने वाले हमारे लाडले विधायक राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा अब आपको संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से राजेंद्र सिंह गुढ़ा। हिंदुस्तान के नौजवान की आवाज, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के नौजवान और बुजुर्गों की दिलों की धड़कन, गंगानगर से हनुमानगढ़ से लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा तक, जैसलमेर बाड़मेर से धौलपुर भरतपुर तक 200 विधानसभाओं में जिस व्यक्ति की आवाज गूंजती हो, जिसके नाम से नौजवान में क्रांति आ जाती हो, युवा दलों की धड़कन, सचिन पायलट साहब आपका हमारी शेखा जी की धरती पर, वीरों की धरती पर, शहीदों की धरती पर, नौजवानों की धरती पर आपको बहुत बहुत स्वागत, आपका वेलकम, आपका खैर मुकदम। मैं बताना चाह रहा हूं पायलट साहब आपको, ये शेखावाटी का नौजवान हमारे मंच के ऊपर, हमारे हेमाराम जी चौधरी साहब सरकार के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री, पश्चिमी राजस्थान के खाटी किसान नेता मंच पर विराजमान बीरेंद्र विजेंद्र जी ओला साहब जो शीश राम जी ओला पूरे हिंदुस्तान राजस्थान में किसानों की आवाज थे, मंच पर विराजमान हमारे सुरेश जी मोदी जी, बालेंदु जी, हमारे वीरेंद्र जी दातारामगढ़ के विधायक साहब, सुरेश जी भाकर साहब, हमारे इंदिराज जी मेरे छोटे भाई इंदिराज जी, खिलाड़ी जी बैरवा साहब, हमारे गिरिराज मलिंगा जी, हमारे वेद प्रकाश सोलंकी साहब, सम्मानित मंच के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, ये राजस्थान के अंदर यदि समर राजस्थान का नौजवान पहली बार, जैसे कोई सरपंच का चुनाव होता है, जैसे कोई पंच का चुनाव होता है, और उस तरीके से एक एक मोहल्ले के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर ये आवाज है कि हमारे राजस्थान के तकदीर का फैसला सचिन पायलट साहब करें। पायलट साहब, ये जो नौजवान आज पहाड़ियों के अंदर बैठा है, लंबे चारों तरफ से बैठा है, माताएं बहने बैठी है, मां जगदम्बा के स्वरूप आप देखना, माता बहने आपका स्वागत कर रही हैं, और मैं ये कहना चाह रहा हूं ये फैसला हकीकत में है। जब जब भी इस धरती के ऊपर जब राजा राम का राज तिलक हो रहा था, और राजा राम का राज तिलक न होकर उनको 14 साल का वनवास हुआ, तो उसको हिंदुस्तान की जनता आज तक नहीं भूल पाई। वो जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया कि राजा राम के साथ अन्याय हुआ, यह चीज बैठ गई जनता के अंदर। जब हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो हिंदुस्तान के जन जन के अंदर की पांडवों के साथ अन्याय हुआ, यह अन्याय जन जन के अंदर घुस गया,
और मैं बताना चाह रहा हूं इस राजस्थान की धरती पर मेरे नौजवान भाइयों, 100 में से यदि कोई 21 नंबर लाए तो फेल है या पास, और 200 में 21 लाए तो वो क्या है, वो क्या क्या है जो 200 में से 21 लाए वो तो सफल, और 21 को जो 100 बना दे वो निकम्मा नकारा। इन आवाजों को, इस आवाज को कोई नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान का नौजवान पायलट साहब, समय रहता ये पूरा हिंदुस्तान, ये राजस्थान शेखावाटी का नौजवान आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आलाकमान फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस लड़के, जिस मतदाता का पहली बार 18 साल का होने के बाद जो मतदान करेगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी कह रहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं। यह चीज, ये माता और बहने भी इंतजार कर रही हैं, इनको किसी चीज से मतलब नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जब जब सत्ता के गलियारों में किसी के साथ अन्याय होता है तो ये जनमानस क्रांति के रूप में आके बैठता है। और एक ही चीज बताना चाह रहा हूं आपको, सच बात है कि ये सामने से जो ये हमारा सड़क है उधर, इस सड़क के ऊपर 10,000 नौजवान बैठे हैं। मैंने कहा यार आप चल के सामने बैठ जाओ, बोले सामने बैठने से पायलट साहब अच्छी तरीके से नजर नहीं आते, इसलिए मैंने मेरी बात आज तक इन्होंने नहीं टाली, मेरी बात को कभी भी डिनाई नहीं किया। लेकिन पहली बार मैंने कहा, बोले साहब गुड्डा साहब पायलट साहब यहाँ से अच्छी तरह नजर आ रहे हैं, इसलिए हम तो यही बैठेंगे, हमारे वहां से पायलट साहब दिखते नहीं है। ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शेखावाटी के नौजवानों, केंद्र की सरकार ने अग्निपथ के अग्निवीर के रूप में इस नौजवान के साथ अन्याय हुआ, नौजवान बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। पेपर जब आउट होते हैं तो नौजवान निराश हो जाता है, और एक ही उम्मीद करके साथ कि हमारे 70% नौजवानों की आवाज कोई व्यक्ति बनेगा, सचिन पायलट साहब आएंगे तो उस टाइम हमारे साथ न्याय होगा। ये बेरोजगार लड़के, ये नौजवान लड़के, ये किसान, चाहे बिजली के लिए किसान परेशान है तो वो आपकी तरफ देख रहा है, अग्निपथ आती है तो आपकी तरफ देखते हैं। और नौजवानों के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब पायलट साहब आपको संबोधित